नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 4 सितंबर 2019 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन मैंने प्रिडिक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इसलिए देखिए, इसमें ये जो 10,800 में ये सपोर्ट लिया है, तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है 10,750 में, और उसके बाद 10,714 में, उसके बाद 682, उसके बाद इससे नीचे जा सकता है। वो एटलीस्ट बहुत सारा नीचे आ सकता है, बहुत ही नीचे जा सकता है, 10,650 के नीचे। और ऑन द अपर हैंड ये जो लाइन है, ये इसको ब्रेक करेंगे, मतलब 10,968, इसको 960 सोच लीजिए, 10,970 इसको ब्रेक करेंगे, तो ब्रेक करेगा तो ये 11,063 तक जा सकता है। उसके बाद ये 11,130 तक जा सकता है, उसके बाद वो फिर से आप बुलिश ट्रेंड आ जाएगा उसका। तो अभी फ़िलहाल तो थोड़ा सा ट्रेंड डाउन में ही दिख रहा है, लेकिन जब तक 10,650 के ऊपर है, हम लोग का बुलिश व्यू पकड़ के चल सकता है। और इसका ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा तो ये इसका देखिए, फर्स्टली पीसीआर रेशियो देखिए, ये ऑलमोस्ट 0.60 के आसपास है। और कॉल साइड में इसका वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट दोनों ही कॉल साइड में बहुत ज़्यादा है। और इसमें जो रेजिस्टेंस है 11,000 में इसका रेजिस्टेंस है, उसका नेक्स्ट लेवल है 10,900 में इसका रेजिस्टेंस है। ये अभी 10,800 में ये इसका ये सस्टेन कर रहा है 10,800 में। और अप साइड में सॉरी इसका सपोर्ट है, फर्स्ट सपोर्ट देखिए 10,700 में इसका फर्स्ट सपोर्ट लेवल है। तो इसका इधर कॉल साइड में इधर हेवी कॉल राइटिंग हुआ है, हेवी कॉल राइटिंग हुआ है, और इधर शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, इसका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू पुट साइड, एंड इधर भी लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। लेकिन इसमें जो है, इसमें हम लोग कुछ शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट कर सकता है, इसमें कुछ शॉर्ट कवरिंग हो सकता है। और ये जो मार्केट का जो डाउनफॉल आ रहा है, ये मैक्सिमम ही वो इंटरनेशनल जो ट्रेंड है उसके लिए इसका मार्केट का डाउनफॉल हो रहा है। और इंडिया बिग्स भी ज़्यादा है, 15 के 16 के ऊपर है, तो इसीलिए मार्केट फॉल कर रहा है। लेकिन एज सच मार्केट का फॉल करने का कुछ खास वजह नहीं है। तो ये हम लोग जब तक 10,650 के ऊपर है, तो हम लोग इसको बुलिश व्यू पकड़ सकते हैं। और इधर जो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट रेट पकड़ लेंगे, तो देखिए 0.60 ये ऑलमोस्ट 0.50 के आसपास आ गया है, ये हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इधर से फिर ये रिवर्ट करेगा। मैं बैंक निफ्टी का देख रहा हूँ, बैंक निफ्टी में सोच लीजिए ये चार्ट है, और इसका मैंने थोड़ा सा ओवरलैपिंग हो रहा है, टाइम भी कम है। इसको मैंने इन गनफन का लगाऊंगा, तो इसको देखिए, ये 10,800 में सपोर्ट लिया है, और इसके बाद इसका जो अप लेवल है, इसका नेक्स्ट लेवल हो सकता है 10,800 में, 26,800 में सपोर्ट लिया है, इसका नेक्स्ट 26,756, उसके बाद 26,700 के ऊपर नीचे जा सकता है। तो और आप फ्रंट में ये 27,300 के ऊपर ये फिर से बुलिश हो सकता है, और अप साइड में 27,923 उसके